तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू अपडेट वीडियो पाने के लिए। सो वेलकम दोस्तों, और बहुत दिन के बाद फिर आप लोग सभी से मिल रहे हैं और स्वागत है आप लोग के बाइकर फ्रॉम सोल चैनल में। दिस इज सौरभ दास एंड मैं आया हूँ आज बहुत दिन बाद। सारा देश, पूरा विश्व में आप लोग देख रहे हैं, सारा देश में कोरोना से फैला हुआ बीमारी और सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं। सो बोरिंग तो लग रहे हैं, ये तो सबको पता है। सो अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिन से राइड भी नहीं हुआ है और क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है यार। तो घर में बैठे क्या क्या करे, हर टाइम टीवी, म्यूज़िक, ये सब पसंद भी नहीं आ रहा है। सो आज सोचे हैं कुछ अलग करने का और आप लोग को भी शायद पसंद आएगा जान के कि आज कुछ बनाने वाले हैं, पकाने वाले हैं। सो आज सोचे हैं थोड़ा होममेड चोको लावा केक बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सो घर में बैठे बैठे क्या करें, लाइट तो हो नहीं रहा है अभी, लाइट तो फिलहाल बंद है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। सो घर में ही बैठ के कुछ सॉरी गाइस, घर में ही बैठ के कुछ अच्छा पका लेते हैं, सब आप लोग भी एंजॉय करेंगे, आप लोग भी सीख लेंगे, आप लोग भी बनाने सकेंगे और बहुत जल्द ये वाला होने वाला है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, सिर्फ तीन चीज़ों की दरकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेरी मिल्क दरकार है, डेरी मिल्क चॉकलेट, और आपका ओरियो जो बिस्किट होता है, ओरियो बिस्किट दरकार है, और बस दूध का मिल्क, और इसके अलावा और कोई भी चीज़ और नहीं लगने वाला है। सो चलिए देखते हैं, देर ना करके जितना जल्दी हो सके बनाते हैं और आप लोग भी तब बना लेंगे जल्दी जल्दी और खा लेंगे, मज़ा आएगा स्नैक्स में खाने में। सो चलिए दोस्तों, चोको लावा केक बनाने के लिए हम लोग को ओरियो बिस्किट लगेंगे, दो हम लोग ले लिए हैं डेरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है, और दूध लगेंगे। सो पहले हम लोग गैस को ऑन कर लिए हैं और ऑन करके कढ़ाई में हम लोग पानी डाल दिए हैं, ये उबल रहा है, इसको हाई फ्लेम में देते हैं और इसके ऊपर एक थाली चढ़ा देते हैं। थाली जब गर्म होगी, ठीक है, थाली जब गर्म होगी उसकी वेपर से, पानी की वेपर से हम लोग डेरी मिल्क को मेल करेंगे। डेरी मिल्क को दे दिए हम लोग, और एक डेरी मिल्क है उसको भी देना पड़ेगा इसे। अब इसको मेल करने के लिए हम लोग छोड़ देंगे, ये जब पूरा मेल्ट हो जाएगी फिर इसमें हम लोग मिल्क मिला देंगे। पूरी तरह अच्छा से गल चुका है, और इसमें हम लोग अभी दूध डालने वाले हैं, दूध मिक्स करेंगे इसमें, दो टेबलस्पून दूध डालेंगे।
और इसको पेस्ट बनाना है। इसको हम लोग डाल दिए, अब इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे, फिर ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें आधी कप दूध डाल रहे हैं हम लोग। डाल के अब इसको मिक्स करेंगे, फिर से ब्लेंड करेंगे अच्छा से। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये जो बैटर है वो पूरा स्मूथ बन चुकी है और ग्राइंड अच्छी तरह से, ब्लेंड अच्छी तरह से बन गया है, पूरा स्मूथली ये हो चुका है। अब इसको हम लोग एक कंटेनर में पोर करेंगे। माइक्रोवेव में 2 से 5 मिनट तक रख देंगे माइक्रोवेव। तो गाइस कैसे रहा आज का चोको लावा केक का रेसिपी, और ये आप लोग हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को रहेगा क्या क्या कंटेंट्स रहेगा, मतलब क्या क्या कंटेंट्स है और कैसे आप लोग बनाएंगे वो भी रहेगा, और आप लोग को कैसे लगा आप लोग भी बना के देखिए कैसे लगता है खाने में। मैं तो पूरा मज़ा से खाया और बहुत अच्छा भी लगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और कैसे लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा चोको लावा केक खाने के बाद वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसे लगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। सो लाइक कमेंट शेयर करने ना भूलिएगा, बार बार बता रहा हूँ, और फिलहाल देरी मत कीजिए, जाइए बनाइए चोको लावा केक और स्नैक्स के तरह खाइए बहुत मज़े से।